on friends, welcome again to Forensic Classes. Today we discuss our further topic from the subject of inspection and quality control. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लग गेजेस. प्लग गेज को हम और क्या बोलते हैं, गो गेज और नो गो गेज. गो गेज और नो गो गेज, ठीक है. तो गो गेज और नो गो गेज क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, डिटेल में हम लोग समझेंगे इसका इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं, फिर इसका एनिमेशन भी मैं अपने इन वीडियो के एंड में देखेंगे कैसे वर्क होता है, ठीक है. ठीक है, प्लग गेज होता क्या है. प्लग गेज सिंपली हमारा इस टाइप का दिखता है, ठीक है. इसका जो एक्यूरेसी होता है बहुत हाई लेवल का होता है, ठीक है फ्रेंड्स. द इंड आर हार्डेड एंड एक्यूरेटली फिनिश्ड बाय ग्राइंडिंग. तो हमारा जो प्लग गेज होता है इसका इंड क्या होता है, ग्राइंडिंग करके पूरा इतने स्मूथ किया जाता है ताकि हमारा क्या हो, जब हम इंस्पेक्शन करें कोई जॉब का तो बहुत ही अच्छे से हो. तो जो इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक है, इंजन का सिलेंडर है. तो उसका जो हमारा सिलेंडर का जो डाया है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक इंड को इसके अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है. अगर ये वाला इंड हमारा स्मूथली इसमें अंदर जा रहा है क्या कहलाता है, ये हमारा जॉब ओके है, ठीक है. और जब रेड वाला साइड, ये साइड को हम लोग प्लेस करते हैं तो ये हमारा अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है. अगर रेड वाला अंदर चला जाएगा यानी कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, ठीक है. तो ये समझिएगा फ्रेंड्स कि ग्रीन वाला साइड हमारा ये सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर, ठीक है, ये इसका डाया. तो ग्रीन वाला साइड इसके अंदर स्मूथली जाना चाहिए तब ये ओके कहलाएगा. लेकिन जब रेड वाला साइड को हम लोग जब इधर प्लेस करेंगे तो ये अंदर नहीं जाना चाहिए, तब ये हो जाएगी, इसलिए कहलाता है ग्रीन वाला साइड कहलाता है गो, ये कहलाता है नो गो इंड, ठीक है, नो गो इंड, ठीक है. तो और देखिए इसका बारे में बताते हैं. वन इंड इज द गो एंड अदर इज नो गो इंड. एक गो कहलाता है, एक नो गो इंड कहलाता है. द गो इंड विल बी इक्वल टू द लोअर लिमिट साइज ऑफ द होल. द गो इंड क्या होता है, द लोअर लिमिट साइज ऑफ द होल होता है, ठीक है. नो गो इंड विल बी इक्वल टू द अपर लिमिट साइज ऑफ द होल. नो गो क्या होता है, ये अपर लिमिट साइज होता है, मैक्सिमम लिमिट हमारा जो होता है नो गो वाला होता है. इफ द साइज ऑफ द होल इज विद इन लिमिट, गो इंड शुड बी इन साइड द होल एंड नो गो इंड शुड नॉट गो. हम जो भी जॉब बनाए अगर वो लिमिट के अंदर है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, लिमिट के अंदर है तो हमारा जॉब रहेगा वो स्मूथली गो इन चला जाएगा, नो गो इन नहीं जाएगा, ठीक है. इफ द गो इन डज नॉट गो, होल इज अंडर साइज एंड इफ नो गो इन गोज द होल इज ओवर साइज एंड द कंपोनेंट आर रिजेक्टेड बोथ इन केस, ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा जॉब ये सिलेंडर जो चेक कर रहे हैं तो यहाँ अगर हमारा गो इन अगर नहीं जा रहा है, गो इन अगर हमारा नहीं जा रहा है तो यानी कि हमारा क्या है, जॉब का हमारा जो डाया बहुत छोटा बना हुआ है, ठीक है, यानी कि अंडर साइज है. अगर इफ नो गो इन अगर चला जा रहा है तो ये ओवर साइज हो गया है, ठीक है. तो बहुत केस में क्या होगा, हमारा जॉब रिजेक्ट हो जाएगा. तो हमें इसको अंडर साइज बनाने का जरूरत है, इसको एक्चुअल साइज बनाने का जरूरत है. इस टाइप का हमारा जॉब रहता है. ये देखिए, एक हमारा ये गो इन कहलाता है, ये नो गो इन कहलाता है, ठीक है. ये अलग अलग वैरायटी का आता है, इस टाइप का सकता है, इस टाइप का सकता है. तो ये डबल इंडेड प्लग गेज है. गो इन एंड नो गो इन आर अरेंज आउट बोथ एंड ऑफ द प्लग. दिस टाइप ऑफ आर एडवांटेज ऑफ इजी हैंडलिंग, भी हमारे पास इजी हैंडलिंग कर सकते हैं, कहीं उठा ले सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं. तो इसका मेन एडवांटेज यही है, ये पोर्टेबल भी होता है, ठीक है. ये हमारा गो गेज रिंग गेज में टाइप में भी आता है, ठीक है. रिंग गेज में हम लोग किसी सॉफ्ट का टाइप चेक करते हैं, मान लीजिए कोई सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट का हमारा डाया प्रॉपर है या नहीं है चेक करने के लिए यूज करते हैं रिंग गेज. रिंग गेज में हमारा रिंग गेज मेनली यूज फॉर द चेकिंग द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हैविंग ए सेंट्रल होल. इसके अंदर हम क्या है, सेंट्रल होल, ठीक है. द पेरिफेरी ऑफ द रिंग इज नल टू गिवन मोर ग्रिप्स टू वाइल हैंडलिंग द गेज. इसमें क्या नलिंग किया हुआ था अंदर में जो उसका हैंडलिंग करने में हेल्प करता है. द होल ऑफ गो रिंग गेज इज मेड टू अपर साइज लिमिट द शाफ्ट एंड नो गो इज लोअर लिमिट. हमारे शाफ्ट होता है नो गो लोअर लिमिट का बना होता है, ठीक है. वाइल चेकिंग द शाफ्ट द गो रिंग गेज विल पास थ्रू द शाफ्ट एंड नो गो विल नॉट पास. हम जब चेक करेंगे तो गो वाला साइड हमारा क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, नो गो वाला पास नहीं होना चाहिए, ठीक है. तब हमारा ओके रहेगा. अगर गो वाला क्या हो जा रहा है, फंस रहा है, और नो गो वाला चला जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा दोनों किस्म. टू आइडेंटिफाई द नो गो गेज गेज इज रेड मार्क स्मॉल ग्रुप एंड कट ऑन द पेरिफेरी. अब इसमें दोनों सेम टाइप दिख रहा है तो कैसे पहचाने का, नो गो वाला रिंग है तो हमारा नो गो वाला रिंग में रेड मार्क दिया रहता है, इस टाइप का रेड मार्क दिया रहता है, तो ये नो गो वाला रिंग होता है, ठीक है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. चलिए इसको समझ लेते हैं अपने एनिमेशन से. गो एंड नो गो प्रिंसिपल. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द प्रिंसिपल ऑफ गो एंड नो गो गेज. लेट अस सी द 3D मॉडल ऑफ गो एंड नो गो गेज. द डायमेंशंस ऑफ द गो एंड इज इक्वल टू द मिनिमम परमिसिबल डायमेंशन एंड दैट ऑफ द नो गो एंड is equal to the maximum permissible dimension. Workpiece. First, we see no-go process. In this case, the no-go end must not go into the component feature.
Now see the go process. In this case, the go end of the gauge must go into the feature of the component. Therefore, the component being checked. Taylor's principle. In this video, we are going to see about Taylor's principle. It states that the go gauge must be made to check the maximum metal condition. It is marked in green line. The no-go gauge must be made to check the minimum metal condition. It is marked in red line. Component. The go gauge should be as far as possible. The geometrical shape of the components to be checked. This also checks at a time straightness or parallelism of the hole over its full length. For circular holes, the no-go gauge should be a pin gauge.